बॉलीवुड फिल्मों में अगर हीरो की आवश्यकता है तो हीरोइन की भी ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों के साथ बॉलीवुड फिल्मों का एक और हिस्सा होता है, वो है खलनायक। हमारी हिंदी फिल्मों ने एक से बढ़कर एक खलनायक दिए हैं, जिनके पर्दे पर आते ही खून खराबा, मारधाड़, डरने डराने के सीन और ज़ोरदार मारपीट के सीन शुरू हो जाते हैं। आप एक बार कल्पना कीजिए, अगर हिंदी फिल्मों में खलनायक ना होते तो शायद ही ये फिल्में हमें पूरी तरह से मनोरंजित कर पाती। बॉलीवुड जगत के कुछ खलनायक ऐसे भी हैं जिन्हें आज पूरी दुनिया उनकी खूंखार एक्टिंग के लिए पहचानती है। मोगैम्बो, खुश हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ खलनायक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से तो दर्शकों की तालियाँ बटोरी, लेकिन क्या आप जानते हैं वो फिल्मों में हीरो बनने के लिए आए थे? तो उन्हीं खलनायकों में से एक हैं शाहबाज खान। फूलों से ज्यादा हंसी है सनम तेरा मुस्कुराना, तू गुल बदन है गुल है तेरा आशियाना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शाहबाज खान के जीवन की कहानी। शाहबाज खान एक ऐसे विलेन हैं जिनकी भारी भरकम आवाज के कारण कभी कभी हीरो भी फीके पड़ जाते थे। अबे ओ बिल्लू, अगर हमने इस कन्या का हाथ नहीं छोड़ा तो मां साहब को बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो हमें धक्का दे देंगे। शाहबाज ने कई फिल्मों के साथ साथ टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। दंगा से भी रुक जाइए। मेरी पैदाइश इंदौर में हुई, एक म्यूजिकल फैमिली में जन्म लिया था, उस्ताद अमीर खान साहब मेरे फादर। शाहबाज खान का जन्म 10 मार्च 1966 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। इनके पिता उस्ताद अमीर खान साहब एक शास्त्रीय संगीत का जाना माना नाम है और इनकी माता का नाम रसिया बेगम है। शाहबाज के जन्म के कुछ समय बाद ही इनका परिवार आ गया मुंबई और शाहबाज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के ही हिल ग्रेन स्कूल से शुरू कर दी। अभी शाहबाज ने पूरी दुनिया भी ठीक से नहीं देख पाई थी कि अचानक इनके पिता उस्ताद अमीर खान साहब की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो शाहबाज की उम्र सिर्फ 8 वर्ष की थी। इनके पिता की अचानक मौत हो जाने के कारण इनकी माता ने नागपुर जाने का फैसला किया और वो शाहबाज को लेकर नागपुर शहर चली गई। मेरे फादर की डेथ हो गई कार एक्सीडेंट से, तो मैं और मम्मी चले गए हम लोग नागपुर और वहीं से एक कॉन्वेंट स्कूल से शाहबाज ने अपने आगे की पढ़ाई लिखाई पूरी की। अब शाहबाज अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने करियर को आगे बढ़ाना चाह रहे थे क्योंकि संगीत का एक जाना माना नाम इनके परिवार से जुड़ा हुआ था। इसी बात को लेकर शाहबाज पहले तो एक गायक बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन इनकी माँ ने इनसे कहा कि तुम्हारी आवाज़ गायकी के लिए ठीक नहीं है। और आपने क्या तीर मारा वकील साहब? लाल साहब, मैंने हर तरह से कोशिश की मगर हमारे लिए ये 100 करोड़ का खेल है और आप सिर्फ कोशिश में लगे आए। और वहीं से शाहबाज ने सोचा कि क्यों ना एक्टिंग में ही हाथ आजमाया जाए और फिर वहीं से शाहबाज ने हिंदी फिल्मों में हीरो बनने का सपना देख लिया। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था और इसी बीच शाहबाज खान ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की और कुछ समय तक होटल्स में भी काम किया। लेकिन हर एक इंसान के अंदर एक कला होती है जो आखिरकार उस इंसान को उस काम की तरफ खींच ही लाती है और फिर शाहबाज ने फिल्मों की तरफ पूरी तरह से रुख कर लिया था और इसी के चलते ये आ गए सपनों के शहर मुंबई। अब अभिनय की तरफ रुख कर ही लिया था तो जरूरी था कि उसे देखने के साथ साथ उसे सीखा भी जाए और इसी बात को लेकर शाहबाज ने मुंबई में ही मधुमती जी से अभिनय की शुरुआती दांव पीस सीखे। ट्रेनिंग की एक मधुमती जी एक टीचर है। हालांकि वहां से शाहबाज जी को कोई प्रोफेशनली ट्रेनिंग तो नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी एक एक्टर बनने के पीछे शुरुआती कदम बढ़ गए और वहीं से शाहबाज जी के करियर की शुरुआत भी हो गई। 1989 में टीवी सीरियल द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान ने शाहबाज खान को घर घर तक पहुंचा दिया। काश आपके इस बयान में जरा सी भी सदाकत, जरा सी भी सच्चाई होती। खैर, हम आपसे इस वक्त वतन परस्ती पर बहस मुबाहसा करने नहीं आए। द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान टीवी सीरियल में हैदर अली के किरदार से शाहबाज को एक अच्छी पहचान मिल गई थी और उसके बाद शाहबाज को फिल्मों में मुख्य किरदार निभाने का मौका मिला, जिनमें 1991 में आई फिल्म नाचने वाले गाने वाले, धरती पुत्र, कैसे कैसे रिश्ते और मेरी आन जैसी फिल्में शामिल हैं।
लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म चल ना सकी। इसके बारे में भी शाहबाज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक तो मेरी आवाज़ भारी भरकम है और दूसरी तरफ 90 के दशक में सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दे रहे थे, इसीलिए शाहबाज जी का सपना फिल्मों में एक हीरो बनने का अधूरा रह गया। शाहबाज खान को एक बार फिर से 1994 में संजय खान के निर्देशन में बने टीवी सीरियल द ग्रेट मराठा में काम करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे दोबारा ब्रेक दिया द ग्रेट मराठा नाम के शो में, जिसमें महाजी शिंदे, महाजी सिंधिया जो नाम जाने जाते हैं बाद में। और शाहबाज खान यहाँ भी अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। शाहबाज खान अपने टीवी सीरियल्स के माध्यम से ही फेमस हो रहे थे, लेकिन कुछ फिल्मों में भी इन्होंने हीरो के किरदार निभाए, जिनमें 1994 में कल्पना लाजमी की फिल्म दरमियान में अभिनेत्री तब्बू के साथ ही नजर आए। लेकिन शाहबाज की अभी तक कोई भी फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर पा रही थी। आखिरकार 90 के दशक के अंत में इन्हें हीरो से खलनायक के किरदार मिलने लगे। 1997 में सनी देओल स्टोरिंग फिल्म जिद्दी में लाल सिंह के किरदार से इन्हें एक अच्छी पहचान मिल गई। बात करनी है, तुम देख नहीं रहे कि यहाँ एक जरूरी मीटिंग चल रही है? बाकी मीटिंग्स मेरी मीटिंग के बाद। देखो तुम। आखिर क्या था, शाहबाज को विलेन के ही किरदार मिलने लगे, जिसका एक उदाहरण 1999 में आई फिल्म अर्जुन पंडित है। अपनी गाड़ी में छोड़ दूंगा, चलिए मैडम चलिए। अरे अरे चलिए ना, मेरा हाथ छोड़िए। हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, चलिए संजय बाबू। किला, मेजर साहब, मेहंदी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, जय हिंद, हिंदुस्तान की कसम, राजू चाचा, लेडीज टेलर, राजा को रानी से प्यार हो गया जैसी फिल्मों में शाहबाज ने अलग अलग किरदारों से एक अलग पहचान बनाई। शाहबाज ने सलमान खान की फिल्म वीर और सनी देओल की फिल्म सिंह साब द ग्रेट जैसी बड़ी फिल्मों में भी काम किया। और वहीं दूसरी तरफ टीवी सीरियल्स जिनमें अफसर बिटिया, देखा एक ख्वाब, भारत का वीर पुत्र, महाराणा प्रताप जैसे धारावाहिकों में अलग अलग तरह के किरदार निभाए और लोगों के दिलों में एक खास पहचान बनाई। शाहबाज अब भी अपनी एक्टिंग को लेकर सक्रिय हैं और वो टीवी सीरियल्स के साथ साथ फिल्में भी कर रहे हैं। शाहबाज की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इनकी शादी हुई रूहाना से, जिसे इनकी दो बेटियाँ हैं, शहाना खान और शनाया खान। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक्टर शाहबाज खान की, जो कि फिल्मों में एक हीरो बनने के लिए आए थे, लेकिन दर्शकों ने उन्हें बना दिया एक खूंखार विलेन। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।